नमस्कार दोस्तों जी, है मेरे पास सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी S23। ये आप देख सकते हो जो कि तो सैमसंग की तरफ से एक सैमसंग का लेटेस्ट डिवाइस है। दोस्तों इस फ़ोन में एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं, जिसके बारे में दोस्तों मुझे थोड़ी देर पहले ही पता लगा तो सोचा चलो आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो आप देख सकते हो जब आप सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में जाओगे, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलता है वन यूआई 6.0 का, ये देखिए वन यूआई वर्जन 6.0 का एक बहुत ही बड़ा अपडेट। जो कि जो साइज़ की बात करूँ इसकी तो वो है दोस्तों 3129 MB का, तो काफ़ी बड़ा अपडेट है। 3 GB से ऊपर का अपडेट है। इसमें सिक्योरिटी बेस लेवल दोस्तों अभी अक्टूबर का ही है, क्योंकि अक्टूबर अभी ख़त्म ही हुआ है। जल्दी दोस्तों इसमें एक और अपडेट मिल जाएगा जिसमें आपका सिक्योरिटी बेस लेवल 1 नवंबर का हो जाएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं इस अपडेट के बारे में। तो दोस्तों इस अपडेट में हमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि आपके फ़ोन का जो क्विक पेन वगैरह है वो उसकी डिज़ाइन जो है, वो फीचर वगैरह जो होते हैं वो दोस्तों काफ़ी अच्छे डिज़ाइन में आपको देखने को मिलेंगे। और आपका दोस्तों जो नोटिफिकेशन पैनल होता है इस टाइप का, इसमें भी दोस्तों कुछ इम्प्रूवमेंट होके देखने को मिल सकते हैं आपको, जैसा आपको इस अपडेट में बताया जा रहा है। ये देखिए कि आपका दोस्तों जो स्क्रीन बिगेट होती है और जो दोस्तों डिज़ाइन वगैरह होती हैं वो आपको इसमें चेंज होके देखने को मिलेंगे। तो अभी मैंने इसको अपडेट इसको यूज नहीं किया है क्योंकि मेरा आप देख सकते हो ये कुछ अपडेट पर चल रहा है, अभी ये डाउनलोड हो रहा है। तो अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि देखिए अभी हमारा जो फ़ोन है अभी बन यू आई 5 वाला वर्जन उस पर चल रहा है, तो इसमें आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। और सेटिंग दोस्तों इसकी इस तरीके की है। अब जब ये 6 में कन्वर्ट हो जाएगा तो तब कैसा लगेगा, तो ये भी दोस्तों मैं आपको अभी इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि अपडेट से पहले डिवाइस हमारा कैसा था और अपडेट के बाद दोस्तों कैसा लगेगा, ये आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा, जिससे आपको अच्छा आइडिया मिल सके कि आपको ये अपडेट जो है दोस्तों आपके फ़ोन में आया हुआ है तो अभी करना चाहिए या फिर नहीं। क्योंकि आपको ही पता है कि जब भी कोई अपडेट हम अपने फ़ोन में करते हैं तो फिर वो दोस्तों हटता नहीं है, उसके लिए काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है जिसमें फ़ोन के ख़राब होने के चांस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलिए पहले मैं इस अपडेट को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करता हूँ। ये देखिए ये हो रहा है, शायद होने वाला होगा। और फिर आपको दोस्तों आगे का दिखाता हूँ कि हमारे फ़ोन में दोस्तों क्या क्या नए नए फीचर देखने को मिले हैं। तब तक दोस्तों आप थोड़ा वेट कीजिए। दोस्तों देख सकते हो आप यहाँ पे, दोस्तों मैंने अपने फ़ोन में बन यूआई 6.0 का अपडेट कर लिया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है यू हैव अपग्रेड टू बन यूआई 6.0। इसको मैं डन करता हूँ। अब दोस्तों आप देखोगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस मिले हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी भी खुद नहीं देखा कि इसमें हमें क्या क्या नया मिला है। तो पहले देखते हैं क्विक पैनल। तो दोस्तों क्विक पैनल में दोस्तों जो कलर वगैरह देखिए काफ़ी डिज़ाइन चेंज हो चुकी है। पहले जो ये बड़े बड़े आइकन हैं ये पूरे एक ही में आ रहे थे, यहाँ पर जितने भी जो दिख रहे हैं ये वाले सब एक ही में आ रहे थे। सिर्फ जो ब्राइटनेस का ऑप्शन है जेलक से आता था, बाकी ये सब एक ही में आ रहे थे। अभी दोस्तों जो अलग कर दिए गए हैं, जैसे जिस तरीके दोस्तों आपको मिलता है वन प्लस के डिवाइस में, उस तरीके से दोस्तों आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये कुछ चेंजेस होके मिले हैं। अब दोस्तों चलते हैं सेटिंग के अंदर। सेटिंग में देखो तो क्या होता है। तो सेटिंग में कुछ ज़्यादा खास हमें दिखा नहीं है। ये देखिए जो डिज़ाइन वगैरह पहले थी सेम वैसे ही हैं। शायद सेटिंग के कुछ फीचर्स के अंदर आपको कुछ अलग देखने को मिल जाए, क्योंकि मैंने अभी खुद अभी यूज नहीं किया, मैं अभी आपके सामने ही अभी डन किया है इसको और यूज करके देख रहा हूँ। गैलरी में चलते हैं क्योंकि गैलरी का भी ऑप्शन आया हुआ था। तो दोस्तों गैलरी में भी ज़्यादा कुछ ऐसा खास नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा मैं नया क्या क्या देखने को मिला है इसमें। तो जब आप दोस्तों सॉफ्टवेयर में जाओगे, चूँकि दोस्तों मैंने ये वाला अपडेट किया था अभी, तो इसमें देखिए ऑल चेंजेस पे देख चलते हैं। तो आप देखिए इसमें हमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले मिलता है न्यू बटन लेआउट। इसमें आपको बटन के अंदर कुछ फीचर वगैरह मिलेंगे क्विक पैनल में, जो आप मैंने अभी आपको दिखाए थे। उसके बाद दोस्तों जो क्विक एक्सेस ब्राइटनेस कंट्रोल,
इम्प्रूव एल्बम आर्ट डिस्प्ले, इन्हेंस लेआउट ऑफ नोटिफिकेशन। दोस्तों जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ इन सब में आपको नया कुछ देखने को मिला है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। और जब आप अपने फ़ोन को अपडेट कर लो तो आप इन्हीं चीज़ों को चेक करके देखना कि इसमें आपको कुछ बदलाव देखने को मिले हैं या फिर नहीं, क्योंकि सैमसंग ने दोस्तों ये सब इम्प्रूव कर दिए हैं। तो अभी मैं कुछ चेंज करूँगा, इसके बाद आपको फिर से एक नई वीडियो में बताऊँगा कि हमें दोस्तों क्या क्या नया देखने को मिला है। दोस्तों कहने का मतलब यही है कि अगर आपके फ़ोन में जो अपडेट आया है तो फटाफट से इसे कर लो, थोड़ा बड़ा है बट आप इसे कर लो, जिससे आपके फ़ोन में एक नया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा और आपका फ़ोन पहले से के मुताबिक एक आपको नया फ़ोन देखने को लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप एक कोई नया फ़ोन यूज कर रहे हो। तो दोस्तों फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आई दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।